बनाते हैं मिक्स वेजिटेबल्स रोटी की सब्जी के लिए। और ये जो मिक्स वेजिटेबल बनेगा वो बनता है, आज बनेगा कद्दू, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर आलू ले लिया जो भी छोटा छोटा पीस करके काटा है, और यहाँ पर प्रेशर कुक मैंने कर लिया है पुई साग के डंठल, और साथ ही कटहल, कटहल के जो दाने होते हैं ना, कटहल के दाने को अच्छी तरह से छील के मैंने उसको भी प्रेशर कुक कर लिया है ताकि वो अच्छी तरह से गल जाए। तो ये देखिए प्रेशर कुक मेरा हो चुका है, तभी यहाँ पर ले लेते हैं कढ़ाई, कढ़ाई पर डालते हैं सरसों का तेल। अभी तेल को होने देते हैं गर्म, और जैसे तेल हम लोग का गर्म हो जाता है कर देंगे सादा जीरा, साथ ही साथ ऐड करेंगे 4 से 5 हरी मिर्ची, जो बीच में से जीरा लगा हुआ है। अभी हरी मिर्ची थोड़ा सा फ्राई होना चाहिए, उसके साथ साथ जीरा भी थोड़ा सा चटकने लगे। जैसे जीरा चटकने लगेगा हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे कद्दू और आलू जो हमने एकदम छोटा छोटा पीस करके पहले से काट के धो के रखा हुआ है। तभी ये डालने के बाद अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। अभी ये कद्दू और आलू को इस मिर्ची के साथ अच्छी तरह से थोड़ा सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट ही इसे फ्राई करेंगे ताकि इसका जो कच्चा कच्चा फ्लेवर वो निकल जाए। अभी यहाँ पर ऐड कर देते हैं कटहल के दाने जो हमने पहले से प्रेशर कुक किया, और साथ ही साथ पुई साग के डंठल। ये सारी चीज़ डालने के बाद फिर से इसको दोबारा फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए ताकि इसका जो उबलता हुआ फ्लेवर वो भी निकल जाए, और फ्राई करने से इसका फ्लेवर भी बहुत बढ़िया होता है। तो 2 से 3 मिनट हो चुका, अभी यहाँ पर ऐड कर देते हैं पुई साग के पत्ते। पुई साग के पत्ते गलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, इसलिए मैंने इसको अंत में ही डाला है। अभी डालते हैं स्वाद अनुसार नमक, और नमक डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि ये जो नमक है अच्छी तरह से पूरी हम लोग की जो सब्ज़ी है उसके अंदर वो मिक्स हो जाए। तभी हम लोगों का धीरे धीरे आराम से मिला लेना है, क्योंकि ये जो पत्ता है अभी ये एकदम ताज़ी ताज़ी है, थोड़ा सा हीट जैसे लगेगा ये पत्ता सिकुड़ जाएंगे। और अभी यहाँ पर ऐड कर देते थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और अभी मतलब नमक और हल्दी को अच्छी तरह से, दोनों को अच्छी तरह से इस सब्ज़ी के अंदर मिक्स कर देते हैं। जो जैसे कि देख पा रहे हैं पत्ते अभी सिकुड़ गए, पत्ते अभी कम हो चुका है। तभी यहाँ पर ऐड कर देते बाकी मसाले। मैंने यहाँ पर ऐड किया है थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर ताकि तीखा ये थोड़ा सा टेस्टी बने, लेकिन अगर बच्चे खाते तो तीखा कम दीजिएगा। तो नमक भी मैंने मिला लिया है, हल्दी भी मिला लिया। अभी इसको ढक देते हैं 3 से 4 मिनट। 3 से 4 मिनट इसको फिर से खोलते हैं, इसको फिर से चला लेते हैं ताकि नीचे का सब्जी जो पक चुका है वो ऊपर आ जाए और चारों तरफ से ये इवनली गले। तो फिर से इसको कवर कर देंगे 4 से 5 मिनट। 4 से 5 मिनट बाद फिर से इसको खोलेंगे। अभी देखिए इसमें ना पानी एकदम ही नहीं है, पानी सूख चुका है लेकिन पूरा सूखा नहीं है। तो ये जो सब्जी का जो पानी निकल रहा है, मतलब हम लोग ढक ढक के जो इसको कुकिंग कर रहे हैं, इसके वजह से यहाँ से सब्जी का पानी निकल रहा है, उसी से ये कुक हो रहा है। सबसे हार्ड वाला सब्जी जो है डंठल और ये कटहल के दाने, वो तो हम लोग प्रेशर कुक कर लिए, और अभी आलू और कद्दू को भी चेक कर लिया, वो भी ऑलमोस्ट गल चुका है। थोड़ा सा और इसको हमको सिर्फ फ्राई कर लेना है। तो जैसे कि देख पा रहे मैंने कद्दू भी चेक कर लिया, तो इसको फिर से इसी तरह से हम लोगों को और इसको कवर नहीं करना, इसी तरह से चलाते हुए हम लोग कुक करते जाएंगे, और जब तक ये देख पाएंगे ये मसाला ये सब्जी एकदम अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, इसका खुशबू भी अच्छा से आने लगा है। और देख सकते हैं ये जो कद्दू है जो आलू है अच्छी तरह से गल चुका है, और कुछ कुछ सब्जी टूट भी चुका है, इसके वजह से पता चल रहा है अच्छी तरह से गल गया है। तो अभी यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं करना, अगर आपको ग्रेवी चाहिए तो थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर डाला है थोड़ा सा पानी, मतलब हल्का सा लसलसा जैसे बनेगा, उससे ज़्यादा नहीं, मैंने थोड़ा सा ही पानी डाला है। तो पानी डालने के बाद इसको थोड़ा सा 4 से 5 मिनट इसको इसी तरह से चलाते हुए अच्छी तरह से बॉयल कर लेंगे ताकि ये जो पानी डाले पानी में ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो चलिए ये आज का रेसिपी तो एकदम तैयार है, इसको एंजॉय कर सकते हैं गर्मा गर्म रोटी पराठा चपाती जैसा आपको मन चाहे। तो अंत में मैंने यहाँ पर डाला है थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर, और जीरा पाउडर के साथ ही साथ मैंने डाला है थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। ये मसाला अच्छी तरह से इसके साथ मिक्स कर लेना है, बस अभी और कुछ भी इसको करना है, इसको निकाल लेना है। तो आज का रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा करके शेयर कीजिएगा, और फ्रेंड्स जो नए देख रहे हैं प्लीज़ एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थोड़ा सा भी अगर लाइक मतलब अच्छा लगा हो तो एक लाइक बहुत ही मायने रखता है, जो हम लोग को मोटिवेट करता है। चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है नया और सिंपल सा रेसिपी लेके, ताकि आप भी इसी तरह से सिंपल वे में इसे बना के इंजॉय कर सकें। फ़िलहाल तो मैं इसे गर्मा गर्म रोटी से खाने वाली हूँ। चलिए फिर मिलते हैं, और अभी इसको सब्जी को कटोरी में निकाल लेते हैं। तो सब्जी को कटोरी में निकालने के बाद ये एकदम रेडी टू सर्व है। चलिए आज के लिए इतना है, फिर मिलता है, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।